वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे स्टीव हफ के बारे में, जिसने ना रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत के स्पिरिट के साथ कांटेक्ट किया है। जो ऐसे बहुत रूमर्स आ रहे हैं एंड बहुत कंट्रोवर्सियल टॉपिक चल रहा है फिलहाल। एंड ये बंदे ने लाइक उसने ना अपने एक डिवाइस है जिसके थ्रू है ना कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। सो स्टीव हफ है ना, वो मल्टी मिलियनर एस्ट्रोलॉजिस्ट और फिलान्थ्रोपिस्ट है, जो है ना अपने एक डिवाइस बनाया है उन्होंने, और उसके थ्रू है ना स्पिरिट्स के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश। तो उसने रिसेंटली एक फेमस केपॉप रैपर है जिसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, एंड वो उसके ऊपर बहुत अलग टॉपिक है, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा एंड दैट वुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस कॉन्ट्रोवर्सी। सो ये दो ही वीडियो बनाना चाहता हूँ मैं, एंड ये वाला वीडियो तो ये वाली इसमें पूरा पता चल जाएगा आपको एग्जैक्टली उसने क्या किया था और कैसे हुआ था, एंड उसने है ना क्या क्या डिकोड किया है या उसने क्या क्या बोला है करके। एंड वो लाइक वो जो स्पिरिट है, मतलब सुशांत सिंह राजपूत की जो स्पिरिट है जैसा उसमें बताया गया है, तो उसमें है ना उन्होंने कैसा बोला है एंड हाउ इट गो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ये बात कहना चाहूँगा कि रिसेंटली जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है उसके लिए लाइक बहुत ही ज़्यादा लाइक सैड हो, एंड इट समहाउ रिलेट्स टू द पर्सन हु डील्स विद इट। एंड अब उसके बहुत सारे सिनेरियोज है, बट फिर भी वो साइड में रखते हुए इट्स ए ह्यूज लॉस टू द बॉलीवुड एंड टू हिज फैंस, एंड आई एम पर्सनली हिज फैन। तो है ना उसका एक्टिंग लाइक बहुत ही सही था भाई, वो बहुत ही सही एक्टिंग करता था एंड बहुत ही अच्छे तरीके से है ना अपने इमोशंस अपने फीलिंग्स है कम्युनिकेट कर सकता था, एंड ही इज़ रियली गुड एंड फाइन एक्टर आई कैन से। अभी तक मैं बॉलीवुड में नवाज ले लो, इरफान खान ले लो, देन अमित साद ले लो, एंड ये सब जो एक्टर्स है ना लाइक इन्होंने है ना लाइक अपना अलग फैन बेस है एंड दे आर प्योरली इंटू एक्टिंग एंड बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं। सीरियसली बताओ बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं कंपेयर टू दूसरे लोग हैं जो लाइक बोला नहीं चाहूँगा अलग है बट इवन दो। सो ऐसा सीन है तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सुशांत सिंह राजपूत के लिए रेस्ट इन पीस एंड इट्स अ वेरी ह्यूज लॉस, एंड बहुत ही लाइक बोल नहीं सकता वो लाइक इट वो चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा सैड और डिप्रेसिंग है, बिकॉज वो इतने हंसते खेलते हुए इंसान थे एंड बहुत ही अच्छे थे यार। लाइक उसकी स्माइल है ना बहुत अट्रैक्टिव थी सीरियसली टू बी फ्रैंक, एंड वो सीरियस बहुत नेचुरल था यार, बहुत नेचुरल था एक्टिंग में। सो वो बात बहुत हर्ट करती है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को छोटा रखते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और है ना चीज़ें बताते हैं जो स्टीव हफ की वीडियो में पता चली है। एंड बेसिकली उसके चार पार्ट्स है, एंड वो मतलब मैंने जितना हो सकता था मैंने वो पूरा वीडियो देख के थोड़ा थोड़ा कवर अप करने की कोशिश की है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स स्टार्ट। जो लाइव सेशन हुआ था एंड उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, सो यू कैन चेक इट ओवर देयर। एंड वीडियो लाइक जैसा भी है एंड वो थोड़े थोड़े जगह पे है ना लाइक वो स्टीव हफ ने है ना लाइक उसको हिंदी नहीं आती है, सो उसने है ना जितना भी हो सके उतना इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताया कि है ना व्हाट एग्जैक्टली ही वाज ट्राइंग टू से। सो लेट्स सी कि कैसा है करके, एंड वी ट्राई टू फिगर इट आउट कि है ना वो हिंदी में क्या हो सकता है और कैसे बोल लाइक एग्जैक्टली हो क्या सकती है वो चीज़। फर्स्ट वीडियो पे चलते हैं। फर्स्ट वीडियो कहता है कि है ना संदीप मी टू करके, सो एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाहता है वो एक बार वीडियो क्लिप देख लो, देन उसके बाद मैं बोलने की कोशिश करूंगा एंड आपको समझाने की कोशिश करूंगा एग्जैक्टली वो क्या है। किल योरसेल्फ, डिड यू डू दैट? तो अपने वीडियो देख लिया। सो वीडियो देखने के बाद दो चीज़ें हो सकती है, संदीप मी टू, संदीप जो है ना सुशांत सिंह राजपूत के बहुत करीबी दोस्त माने जाते हैं, एंड दूसरी दूसरे मी टू उसकी बहन भी है तो मतलब संदीप की, और जो दूसरी बात ये हो सकती है कि संदीप किल्ड मी टू करके, तो अब एग्जैक्टली पता नहीं वो क्या है करके, बट वो वेरी करता है जितने जितने लोग देखते हैं जितने जितने चीज़ें
लोग बार बार सुनते हैं तो उसके हिसाब से वेरी करता रहता है. सो लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट देन दूसरे वीडियो. वीडियो पे चलते हैं. एंड दूसरा वीडियो कहता है कि आई हैव गॉट टू विंग्स, या फिर वो और एक मीनिंग हो सकता है कि आई हैव गॉट टू पेटेंट्स. राजपूत बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करते थे तो उनके हिसाब सो पीपल बोलते हैं, आई मीन लोग बोलते हैं कि है ना वो लोग लाइक वो है ना अपना पेटेंट नवंबर लाइक बाय दिस ईयर एंड में लॉन्च करने वाले थे. एंड पेटेंट तो आपको पता ही है कि है ना लाइक एक बार कोई भी चीज़ पेटेंट करने के बाद यू डोंट हैव टू यूज़ दैट थिंग और दैट कोड और एनीथिंग एज सच इन योर डिवाइस. एंड इफ जस्ट इन केस यू यूज़ दैट, सो यू हैव टू पे टू दैट पर्सन. सो दिस इज़ हाउ इट वर्क. सो देन नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं. नेक्स्ट वीडियो में ऐसी आवाज़ आती है कि है ना आई वॉज टैप करके. सो एंड वो ऐसे सुनाई देता है एंड एग्जैक्टली स्टीव हफ के वीडियो में था, दैट्स हाउ इट एंडेड. सो बेसिकली उसका लाइक हिंदी वर्जन या हिंदी साइड में अगर लाइक समझने की कोशिश करो तो इट वॉज इट्स लाइक कि है ना आई वॉज टैप एंड डेड. तो ऐसा हो What सकता happened? So here it goes, the third video. And third video में like वो पूछने की कोशिश करते हैं कि है ना यू आर गेटिंग द लाइट स्टीव अप. सो सुशांत सिंह राजपूत बोलने की कोशिश करते हैं या आई एम गेटिंग द लाइट करके. सो लोगों ने ना उसका दूसरा मतलब भी निकाला है कि है ना दोस्ती के नाम पे दे मर्डर्ड मी करके. सो दैट हैज़ क्रिएटेड कॉन्ट्रोवर्सी राइट नाउ एंड उसके वजह से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिस्ड अप हो रही है. एंड इट्स लाइक कि है ना जो उनके बहुत करीबी फ्रेंड्स थे उन्होंने ये सब चीज़ें की है करके. सो जस्ट वॉच द वीडियो एंड यू डिसाइड कि है ना एग्जैक्टली वो क्या है. नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं. नेक्स्ट वीडियो में स्टीव कुछ पूछते हैं एंड उसका लाइक आवाज़ आती है कि है ना आई वॉज इन इट. सो लोगों ने या फिर उसके हिसाब से और एक मतलब था कि आई वॉज इन द किचन. नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं. नेक्स्ट वीडियो में स्टीव ट्राई टू आस्क लाइक वॉट एग्जैक्टली हैपन एट दैट नाइट. सो ही ट्राई टू आंसर्स like he tried to answer that big argument with men. So basically he was trying to say ki hai na log maujood the udhar and it was like more than 4-5 members or maybe aisa kuch ho sakta hai. The night of your death. Yeah, then so uske baad aawaz aati hai ki hai na they bought nose. एंड वो उसका और एक था कि दे बॉट नेल्स. सो नूज मतलब वो होता है जो फांसी का फंदा बोला जाता है, बेसिकली हैंगिंग के टाइम पे यूज करते हैं लाइक सुसाइड के टाइम पे यूज किया जाता है. Remember how you died? So next वीडियो पे मूव ऑन करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आवाज़ आती है कि दे डन दिस करके एंड पीपल ट्राई टू से इट्स लाइक कि दीपेश हैज डन दिस. सो दीपेश इज़ अ पर्सन जो उसका केयर टेकर था एंड जो उसके साथ रहता था एंड ही यूज टू प्रोवाइड मिल्क टैबलेट जूस एंड ऑल जो भी चीज़ें होती है यूजुअली. सो लाइक हियर इज़ द वीडियो. कॉन्टैक्ट हैव यू मेट अप विद अदर पीपल दैट यू नो. Thank you very much. Love to you. So these were the videos and इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं and people are trying to manipulate this and बहुत ही अलग हो रहा है. So like मेरे को बस बताना था कि है ना how people are trying to manipulate those paranormal activity recorded statements and all. तो like यूजुअली लोग है ना अलग अलग स्टेटमेंट बनाते हैं और अलग अलग चीज़ें बोलते हैं एंड द मोर यू हियर इट सो इट वेरीज कीप्स ऑन वेरिंग. तो बेसिकली अब अभी आप एक बार सुनते हो दो बार सुनते हो तो है ना जो उधर जो था जो भी चीज़ें आ रही है जो भी नीचे कमेंट्स आ रहा है तो उसके ऊपर जज करोगे एंड उसके हिसाब से मान लोगे आप. एंड जैसे जैसे आप 10 बार 20 बार या 50 बार बात करते हो या देखते हो उसको या सुनते हो ना
तो इट कीप्स ऑन वेरिंग एंड है ना, आप अलग अलग चीजें एज्यूम करते हैं, तो बोला नहीं जा सकता कि है ना वो एग्जैक्टली क्या करने की कोशिश कर रहा है या एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे. तो इट कीप्स ऑन वेरिंग यार. तो अब वो चीज़ जैसी है वैसी है एंड उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी बनाना एंड ऑल, उसके ऊपर चीज़ें करना एंड ऑल, वो सब सही नहीं था. तो आई जस्ट थॉट कि मतलब इतने सारी चीज़ें चल रहे हैं एंड इतने सारी चीज़ें हो रही है एंड पीपल आर ट्राइंग टू जस्ट लाइक यूज इट. या सो देन जैसे जैसे वीडियो जा रहा था, मैंने सोचा कि है ना और एक वीडियो नहीं बनाना चाहिए एंड इट्स बेटर टू एंड दिस राइट नाउ एंड यही वीडियो में निपटा दो करके, बिकॉज चीज़ें लाइक और एक्सटेंड करके फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट कीप्स ऑन वेरिंग और है ना चीज़ें कुछ और भी हो सकती है. एंड इससे पहले लाइक और एक स्टेटमेंट बता दूँ, लाइक जो लोग बोलते हैं, लाइक यूजुअली बोला जाता है स्टीव बब पहले जो रैपर इसे कम्युनिकेट किया था, बोला मैंने आपको, वो बंदे के जो इंटरव्यू क्वेश्चंस थे ना, उसने जो पूछे गए थे एंड उसके जो आंसर्स थे ना, वो रिकॉर्ड करके उसको है ना लाइक ऑडियो को एनहेंस करके एंड डिस्टर्ब करके उसमें नॉइजेस डाल के एंड ही ट्राई टू मैनिपुलेट हिज वॉइस एंड वो वैसी आवाज़ आ रही है. तो वो ऐसा भी है, ऐसे भी स्टेटमेंट आ रहे हैं लाइक ही इज़ फ्रॉड, ही इज़ फेक करके. तो अब लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग चीज़ें हैं. सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ बिजनेस और अब्यूज और समथिंग एज सच. तो लाइक ये सब चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. उसने वीडियो बनाया, वीडियो बनाया एंड देख के छोड़ दो. उसके ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है. लाइक इट्स नन ऑफ बिजनेस यार. वो उधर एक इंसान की डेथ हुई है एंड हिज फैमिली सफरिंग ओवर देयर, तो उसके ऊपर बिजनेस बनाने की ज़रूरत नहीं बनती सीरियसली टू बी फ्रैंक. एंड लाइक सपोर्ट करना है, सपोर्ट करो. या आई डू एग्री कि है ना उसके लिए जस्टिस चाहिए. सो देन ये वीडियो को इधर एंड करते हैं एंड और ज़्यादा इसको एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं करते हैं. एंड इट्स बेटर टू लाइक जितनी चीज़ें चल रही है उतनी बहुत ही ज़्यादा है, तो इट्स बेटर टू एंड इट ओवर हियर. एंड इतना ही बोलना चाहूँगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड इफ़ यू डू लाइक एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन और इफ़ यू वॉन्ट टू कमेंट ऑन दिस वीडियो, जस्ट यू कै यू आर फ्री टू डू एनी थिंग. जस्ट अपने ओपिनियंस दो, अपनी बातें बताओ एंड जस्ट लाइक अपने ओपिनियन शेयर करो, लाइक हाउ इट वॉज एंड हाउ एग्जैक्टली आई डिड करके. एंड दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई एम एंडिंग इट ओवर हियर. या इफ यू डिड लाइक द वीडियो सो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एज मच एज थैंक यू यू कैन. वॉचिंग एंड साइनिंग ऑफ यश ठाकुर. बाय, टेक केयर.